आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वृषण पालिका में कितनी अति कुंडली शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, जिसे सेमिनिफेरस टिबुल कहते हैं। तो वृषण क्या है, ये नर जनन अंग है, ठीक है, नर जनन अंग होता है ये, ठीक है, जिसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 3 अति कुंडलित, कुंडलित का मतलब यहाँ पे घुमावदार होगा, आड़ी टेढ़ी, ठीक है। 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र जनक, ठीक है, नलिकाएं। तो आप देखते हैं शुक्र जनक नलिकाएं जो होती हैं ये करती क्या है, तो शुक्र जनक जो नलिका होती है, ठीक है, शुक्र जनक नलिका, ठीक है, ये वृषण में होता है। शुक्र जनक नलिकाओं में क्या होता है, शुक्र जनन क्या होते हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब शुक्र जनक नलिका में शुक्र जनन कोशिका मिलती है। इसी कोशिका में क्या होता है, ठीक है, जो ये कोशिकाएं होती हैं शुक्र जनन नलिका में, इस कोशिका में क्या बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो शुक्राणु का निर्माण करते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं, किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है कि अतिकुंडलित, अतिकुंडलित का मतलब लिपटा हुआ, ठीक है। 3 अतिकुंडलित क्या होते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।